हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक अपने वीडियो में कवर करेंगे दैट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है लिसनिंग में, जिसमें हमने व्हाट इज लिसनिंग, व्हाई लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग और लिसनिंग एंड हियरिंग में डिफरेंस बताया है। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। नाउ लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग का अगर हम हिंदी में मतलब कहें तो सुनना कम्युनिकेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कम्युनिकेशन में मान लो आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो, हमारी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी जब तक कि जो सामने वाले जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो उसे सुनेगा नहीं, वो उसे समझेगा नहीं, वो आपको रिप्लाई नहीं दे सकता। और उसे भी अगर वो नहीं सुनेगा तो उसे भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसका मतलब हमारी कम्युनिकेशन बिना सुने कम्प्लीट होने वाली नहीं है। दैट इज वाई लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। नाउ लिसनिंग, अगर हमारी लिसनिंग वो कौन सी वजहें हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग का, मतलब वो कौन सी वजह है जिस वजह से हम जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, कुछ लोग अच्छे से समझ रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे। इट मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, उनका मोटिवेशन नहीं है। इट मे बी कि वो फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज उनका सर दर्द है, पेट दर्द है, या दे आर नॉट फिजिकली वेल। ये भी हो सकता है कि वो टॉपिक उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। ये भी हो सकता है कि वो लोग कल मूवी देख के आए हैं और अभी भी उसी मूवी में ही बिजी है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से हमारी जो लिसनिंग है, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें आवाज क्लियरली नहीं आ रही है, या फिर उनको ब्लैक बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर उनका विजन बहुत अच्छा नहीं है, वो दूर से उसे देख नहीं पा रहे इसलिए उनका फोकस कम हो रहा है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी लिसनिंग इन वन और द अदर वे कहीं ना कहीं पे नहीं हो पा रही है। तो वही सारी चीजों को आज हम पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी, द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। देखो लिसनिंग एंड हियरिंग का मतलब भी सुनना होता है, लिसनिंग का मतलब भी सुनना होता है, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो हियरिंग का मतलब कोई भी आवाज, हमारे ईयर ड्रम्स लगे हुए हैं, हमारे ईयर ड्रम्स का जो काम है वही सुनना ही है। जितने भी आवाज और ये जो साउंड होती है ना, ये फ्रीक्वेंसीज में मूव करती है। तो जितने भी साउंड एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली हमारे एयर ड्रम्स को टच करेगी और वो चीज हमें सुनाई देगी। ठीक है, मान लो हम अंदर बैठे हैं, इवन मान लो बाहर थंडरिंग हो रही है, तो हम समझ जाते हैं बारिश होने वाली है या मौसम खराब होने वाला है। दिस इज ऑल्सो लिसनिंग, की हमें सिर्फ एक आवाज आई और उससे हमने अपने आप को कुछ कन्वे कर दिया, हमारी कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, वैसे ही हम कई बार दूसरों से ऐसी कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे मैंने कहा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। इट मे बी उसने उस आप बहुत अच्छे लग रहे हो इसका मतलब नहीं समझा, उसने क्या सका उस कम्युनिकेशन को किस तरह से उसके माइंड ने प्रोसेस किया, आज इसे जरूर मुझसे कोई काम है इसलिए इतना मीठा मीठा बोल रही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, विच मीन्स कि वी आर परसीविंग समवन इज सेइंग समथिंग एल्स बट वी आर डिकोडिंग इट इन आवर ओन वे बिकॉज ऑफ इट कैन बी कि हमारा जैसे साइकोलॉजी की वजह से या फिर हमारे परसेप्शन की वजह से हम उसे दूसरी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसको भी हम बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग कहते हैं। तो वो बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हमारी लिसनिंग क्या है, ठीक से नहीं हो पाती है या पूरी नहीं हो पाती है, या समझने वाला उसे ठीक से नहीं समझ पाता है। नाउ एक एक करके हम इसे स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो, इफेक्टिव लिसनिंग इज आर्ग्यूएबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल टू हैव नाउअडेज। पर्सनल रिलेशनशिप नीड्स इफेक्टिव लिसनिंग स्किल टू फेस कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज टुगेदर। देखो लिसनिंग जो है, कम्युनिकेशन हमारा ओवरऑल सिर्फ ये प्रोफेशनल फ्रंट पे ही हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, पर्सनल फ्रंट, सोशल फ्रंट, हर जगह पे कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होता है। तो और लिसनिंग उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर हमारी बिजनेस रिलेशनशिप हो, हर जगह पे हमारा लिसनिंग इम्पोर्टेंट। मान लो मेरे बॉस ने मुझे कोई काम दिया और वो जब काम मुझे दे रहे थे मैंने ध्यान से नहीं सुना, लेटर ऑन क्या होगा, या तो मैं काम गलत कर लूंगी या फिर मुझे कंफ्यूजन रहेगा, मैं बार बार जाके पूछूंगी, अगेन हमारे रिलेशनशिप क्या होंगे, कहीं ना कहीं पे हैम्पर करेंगे।
ठीक है, तो बिजनेस पीपल एंड एम्प्लॉइज नीड इफेक्टिव लिसनिंग स्किल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्विकली एंड स्टे कॉम्पिटिटिव. स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स नीडेड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन देयर फील्ड. Thus, it is beneficial if we can understand and eliminate listening barriers that block deep, harmonious and lasting relationship. अगर हम हमारे ये जो barriers होते हैं इनको हटा दें, कई सारे circumstances में तो हम नहीं हटा सकते. मान लो हम market गए हैं और market में बहुत ज्यादा noise आ रहा है, मुझे एक call आता है, तो again मुझे बहुत मुश्किल होगी उसको clearly सुनने के लिए. तो हर बैरियर को तो हम नहीं खत्म कर सकते, बट डेफिनेटली देयर आर वेज थ्रू विच वी कैन मिनिमाइज इट. या उन सारे सर्कमस्टेंसेस में जहां पे हम इन बैरियर्स को खत्म कर सकते हैं, वहां पे हमें इनको स्टॉप करना चाहिए. ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स अस इन इट हेल्प अस इन मेकिंग हार्मोनियस एंड लास्टिंग रिलेशनशिप विद द कम्युनिकेटर. नाउ बैरियर्स टू लिसनिंग टेक मेनी फॉर्म्स. इट इज inevitable that barriers will exist in any interaction, but anything which stops concentration, allowing the mind to wander off and the topic, must be recognized and overcome if fully successful communication is to take place. इसमें क्या कहा गया है कि देखो सारी चीजों सारे हमने कहा मार्केट गए हैं, आवाज आ रही है, उसको तो हम नहीं रोक सकते. ठीक है, हाँ, बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हमने कहा हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम है, हम कहीं और परसीव करके बैठे हुए, हम फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली हम एब्सेंट है उस जगह से, तो इन सारी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है, इन सारी चीजों को रोका जा सकता है. लिसनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल. ये एक स्किल है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है विद रिगरस प्रैक्टिस. ठीक है, तो हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, तो वो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए. नाउ पहला हमारा जो बैरियर आता है दैट इज एनवायरमेंटल बैरियर. अगेन एनवायरमेंटल बैरियर मींस हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो हमें सुनने से रोकती है. देखो लिसनिंग की जब हम लिसनिंग एंड हियरिंग में मैंने डिफरेंस नहीं बताया, मैं बता देती हूँ. देखो हियरिंग का मतलब होता है कोई भी नॉइज आएगी वो हमारे एयरड्रम से टकराएगी और वो चीजें हमें सुनाई देगी. नाउ लिसनिंग का मतलब होता है वो आवाज जिसे हम सुनना चाहते हैं और जिसके लिए, मान लो क्लास में लेक्चर चल रहा है और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं बिल्कुल फोकस होके सुन रही हूँ, दैट वुड बी लिसनिंग. ठीक है, या फिर मुझसे कोई बात कर रहा है और मैं बहुत फोकस करके उसको सुन रही हूँ, मैं समझना चाहती हूँ, दैट इज लिसनिंग. तो इस लिसनिंग की प्रोसेस में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है. हियरिंग में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है. हियरिंग में मतलब सारी नॉइज हमारे इयर्स में आती है, टकराती है, और कुछ नॉइज को हम क्या करते हैं, उसको हम प्रोसेस नहीं करते, हमने सुना और छोड़ दिया. बट जो चीज हम अपनी ईयर से सुनते हैं और उसको फिर हम अपने माइंड तक ले जाते हैं, माइंड में हम उसकी प्रोसेस करवाते हैं, उसको समझते हैं, देन हम उसे, जो चीज हमने सुनी होगी उसे ही हम याद करके रख सकते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होता कि क्लास में हमने कोई लेक्चर ना लिया और वो हमें बाद में याद हो. ठीक है, तो रिटेंशन भी हमारी तभी होती है जब हम किसी चीज को अपनी ब्रेन में प्रोसेस करवाते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, देन वो हमें याद रहती है, देन वो हमारा, जैसे उसे हम लिसनिंग कहते हैं. तो लिसनिंग का मतलब जहां पे हमारा ब्रेन भी यूज होता है, हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, उस प्रोसेस को समझता है, उन सारी बातों को समझता है, फिर उसे याद रखना चाहता है, फिर उसका फीडबैक देता है, उसे अपनी तरफ से इवैल्यूएट करता है, देन उसका फीडबैक भी देता है. ठीक है, तो इसे हम लिसनिंग कहते हैं. तो लिसनिंग में एनवायरमेंट कैसे बैरियर पैदा करता है, इसमें पहला है द रूम टू हॉट और टू कोल्ड. मान लो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा गर्मी, मैं कहीं पे बैठ के लेक्चर ले रही हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज्यादा ठंड है. अगेन मेरा कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द जो एनवायरनमेंट है हमें बहुत हद तक हेल्प करता है किसी भी चीज को अचीव करने में. ठीक है, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं उस एनवायरनमेंट में बैठ नहीं पा रही हूँ या फिर मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, दैट इज वाई हम कहते हैं ये हमारा एक बैरियर है हमारे लिए. दूसरा है द चेयर अनकंफर्टेबल, मैं जिसमें बैठी हूँ वो कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे हिलना पड़ रहा है. अगेन कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रैक्शंस होंगे हमारे. हमारा जो रूम है उसमें बहुत कम लाइट है या फिर बहुत डिम है, मेरे को ठीक से लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है या फिर मैं ठीक से लिख नहीं पा रही हूँ,
अगेन इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी बैरियर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ से जो हमें हैम्पर कर रहा है, जो हमें रुकावट पैदा कर रहा है हमारी इफेक्टिव लिसनिंग को इफेक्टिवली होने में। ठीक है, बैड वेंटिलेशन, स्टफी स्मोकी एटमॉस्फेयर, अगेन हमने कहा सफोकेटेड रूम होता है, कई बार क्लासरूम बिल्कुल सफोकेटेड हो जाते हैं, तो क्या होता है उसमें अगेन वी कैन नॉट, वी जस्ट वॉन्ट टू हैव सम फ्रेश एयर, तो अगेन मैं उसमें बहुत देर तक बैठ नहीं पाऊंगी। ठीक है, नॉइस, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो नॉइस है वो हमें हमारे हमें लिसनिंग में हैम्पर करती है। साइट्स होते हैं, हमारे साइट्स में ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है या मैं देख नहीं पा रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी हमारी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ठीक से नहीं होगा। और बैड स्मेल अगर आ रही है हमारे आसपास कहीं पर, देन अगेन मेरा फोकस कहीं ना कहीं पे कम होगा, और फोकस कम होने की वजह से जो लिसनिंग हो रही है ना, तो वो 100% हमारी लिसनिंग नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ छूट पाएगी, छूट जाएगी। दैट इज व्हाई वी से कि ये एक बैरियर है जो हमें लिसन करने में, जो हमें सुनने में कहीं ना कहीं पे रुकावटें पैदा करती है। दूसरा है हमारा जो बैरियर, जिसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब वो बैरियर जो हमें लैंग्वेज की वजह से हो रहा है। लैंग्वेज की वजह से मतलब हो सकता है मेरे और रिसीवर के बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज ना हो, या फिर मैं जिस तरह से बोल रही हूँ वो क्लैरिटी उसको ना हो पा रही हो, या फिर मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, या फिर मैं एक हैपेजर्ड वे में बोल रही हूँ। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी रुकावटें हैं उसे हम लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं। इसमें पहला आता है हमारा जार्गन्स या फिर स्पेशलिस्ट लैंग्वेज। स्पेशलिस्ट लैंग्वेज या जार्गन्स वो होते हैं जो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड लैंग्वेज होती है। मान लो मैनेजमेंट में बहुत सारे हमारे टर्म्स होते हैं जिनको अगर हम जनरल लैंग्वेज में यूज करेंगे तो लोग उसे आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो वैसे ही मेडिकल टर्म्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो लोग जनरली लोग नहीं समझ पाएंगे, हाँ मेडिकल टर्म मेडिकल फील्ड के लोग समझ लेंगे। तो अगर हम उसी तरह की लैंग्वेज जनरली यूज करेंगे तो वो उसे हम कहते हैं जार्गन से स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, जो कि आसानी से समझ में नहीं आती। दूसरा है मोनोटोनियस वॉइस। हमारा जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा मोनोटोनियस मतलब कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है चेंज ही नहीं हो रही है, हमारे वॉल्यूम की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारे देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच शुड बी फोकस्ड मोर, देयर आर सर्टेन वर्ड्स उनको अलग तरीके से बोला जाता है, तो मतलब हमारा जो वॉल्यूम होता है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है। बट मोनोटोनियस मतलब कि वो बिल्कुल एक ही फ्रीक्वेंसी में जा रहा है, कहीं कुछ अप एंड डाउन नहीं है हमारी वॉइस में, तो उसे हम कहते हैं मोनोटोनियस। तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है क्योंकि उसमें क्लैरिटी हर वर्ड का, हम जब भी बोलते हैं ना ओरल लैंग्वेज में, इसे हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, जो अलग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेम चीज को अगर डिफरेंट तरीके से बोला जाए तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मोनोटोनस वॉइस, मतलब एक जैसी वॉइस आ रही है उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं हो रहे, देन अगेन इट वुड बी वेरी बोरिंग फॉर द नेक्स्ट पर्सन, अपार्ट फ्रॉम दैट वो उसको समझने में भी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट टोन, अगेन हमारा इनएप्रोप्रिएट टोन मतलब हमारा जो टोन है वो हम ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हो सकता है हेजिटेंट, मैं खुद जो स्पीकर है वो खुद हेजिटेंट है, वो खुद ही जो जब बोल रहा है तो ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो जो सुनने वाला होता है अगेन ही ऑल्सो लूजेस द कॉन्फिडेंस इन हिज दिस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा बैडली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल। बैडली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल का मतलब होता है कि जब भी हम किसी बीमार लोग हम किसी टॉपिक पे लेक्चर दे रहे हैं तो कैसे होता है, सबसे पहले हम उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, बैकग्राउंड समझाएंगे, कुछ एग्जांपल समझाएंगे, देन उसके बाद में हम मेन कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे, देन धीरे धीरे हम कंक्लूड करते हैं एंड देन हमारा टॉपिक खत्म। तो बैडली ऑर्गेनाइज का मतलब हम जब ये कहानी सुनते हैं ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती है, और अगर उसी सीक्वेंस को हम बिगाड़ देंगे तो क्या होगा, वो कहानी शायद दूसरे को इंटरेस्टिंग ना लगे। तो इसे ही हम कहते हैं बैडली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, जिसमें कि हमने सस्पेंस सबसे पहले खोल दिया तो बाकी की कहानी में इंटरेस्ट नहीं आएगा इंडिविजुअल को, तो उसे हम कहते हैं बैडली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल। अगर हम जो बातें जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं की हुई है तो जो रिसीवर है वो उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपकी बातों में, वो उसे सुनेगा नहीं ध्यान से।
नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मतलब बहुत मुश्किल सेंटेंसेस, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं और वो बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, देन अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मीन्स बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस नहीं है। एंड कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी मीन्स हम बहुत भारी भरकम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हम बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, तो अगेन इट वुड बी नॉट अंडरस्टूड बाय मेनी पर्सन, या हम कह सकते हैं रिसीवर उसे नहीं समझ पाएगा, ठीक है। डिलीवरी टू फास्ट या डिलीवरी टू स्लो एंड पेंड्रस। डिलीवरी टू फास्ट एंड डिलीवरी टू स्लो मतलब हम या तो बहुत तेजी से बोल रहे हैं कि आधी बातें तो हमें समझ में ही नहीं आ रही, सामने रिसीवर को समझ में ही नहीं आ रही है, या फिर हम इतने धीरे बोल रहे हैं कि सामने वाले को लग रहा है कि से बिल्कुल सोते हुए बातें हो रही हैं, ठीक है। डिलीवरी टू लाउड या टू लो। टू लाउड का मतलब वॉल्यूम हमारा बहुत ज्यादा तेज है कि उसके कानों में चुभ रहा है, या फिर इतना स्लो है कि उसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा है, या फिर बीच में कुछ वर्ड्स मिस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल द दिस बैरियर्स, लिंग्विस्टिक बैरियर्स जिसे हम कहेंगे, तो दीज आर ऑल द बैरियर्स टू द इफेक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मीन्स वो जो हमारी साइकोलॉजी, इट बिकॉज ऑफ आर इमोशनल स्टेट, ये हमारे बैरियर्स हो जाते हैं हमारी लिसनिंग में। पहला इसमें है एंगर, हम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और अगर हमें कोई कुछ बोल रहा होता है तो शायद हम उसे सुनने के मूड में नहीं रहते हैं, तो उससे हमारी इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाती। या फिर मैं एंग्जाइटी में हूँ, या फिर फ्रस्ट्रेटेड हूँ। फ्रस्ट्रेटेड मतलब हो सकता है मैं अपनी बातें नहीं बोल पा रही हूँ इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हूँ, या फिर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है अपनी बातों को कन्वे करने के लिए इसलिए मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो ये सारे हमारे क्या है, साइकोलॉजिकल स्टेट है, हमारे इमोशनल स्टेट है, जिसकी वजह से मैं अपने आप में ही इतनी बिजी हूँ, या फिर मेरा जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो उस पर्टिकुलर लेवल पे नहीं है कि मैं दूसरे की बातों को ध्यान से सुनूं और उसको समझने की कोशिश करूं, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है स्टेटस डिफरेंसेस। स्टेटस डिफरेंसेस होता है जब हम दो लोग डिफरेंट स्टेटस के होते हैं और हम उन दो लोगों की जो बातें होती है ना वो भी डिफरेंट हो जाती है, तो मैं उसको अपने प्रोस्पेक्टिव से समझती हूँ और दूसरा उसे अपने प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा होता है, तो इस तरह से हमारी जो बातें होती हैं वो एक दूसरे को अच्छे से समझ में नहीं आ पाती। नेक्स्ट हमारा है प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब होता है बायसनेस। कई बार मान लो मैं किसी को पसंद करती हूँ या फिर मेरी फ्रिक्वेंसी अच्छे से उससे मैच करती है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और अगर मान लो किसी से मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती है तो हुआ कि अगर मुझसे बात भी करे तो मैं उसमें ध्यान नहीं देती हूँ, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिजुडिस। तो बिकॉज ऑफ ये मेरी लिसनिंग क्यों नहीं हो पा रही है, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो इसे हम बायसनेस कहते हैं, प्रिजुडिस कहते हैं, तो इस वजह से हमारी लिसनिंग ठीक से नहीं हो पा रही, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मीन्स समथिंग, माई फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड ये बैरियर है। मान लो अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, मुझे हेडेक है, या फिर मुझे पेन है, डिस्कम्फर्ट है, या फिर मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो इन सारी वजहों से भी क्या हो सकता है कि मेरा जो लिसनिंग मुझे दी जा, मुझे जो कम्युनिकेशन हो रही है मैं उसे सुन नहीं रही हूँ, मैं सुन नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई फिजिकल कंडीशन, ठीक है। दूसरा इसमें हो सकता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर मैं सुन नहीं सकती हूँ देन अगेन मैं सुन नहीं पाऊंगी, ठीक है। पुअर आईसाइट हो सकता है। पुअर आईसाइट मतलब मुझे, हम कई बार हमारा पीपीटी चल रहा होता है और हम पीछे बैठे हुए हैं, हमें स्लाइड्स में बहुत फॉन्ट बहुत छोटा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगेन हमारा जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, बिकॉज ऑफ माई फिजिकल कंडीशन इज नॉट एप्रोप्रिएट, कि मैं उस वजह से क्या नहीं कर पा रही हूँ, मैं अच्छे से सुन नहीं पा रही हूँ या मेरी लिसनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट हमारा है परसेप्चुअल बैरियर्स। परसेप्चुअल बैरियर्स मीन परसेप्शन होता है हमारी सोच। हम जो सोचते हैं, दो लोग हैं, दो लोग डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी से कहूँ कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो और वो उसको इस टर्म में ले रहा है कि आज इसे मुझसे कोई काम है, ठीक है। तो इट दिस इज परसेप्चुअल बैरियर, बिकॉज माय मेरा वो कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन स्टिल उसने उसे जो कम्युनिकेशन को उसने डिकोड किया ना, उसने उसे दूसरी तरीके से डिकोड किया,
तो इसे हम कहते हैं परसेप्चुअल बैरियर्स। इट कैन बी डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड होते हैं, वहां पे डिफरेंट चीजों का मतलब डिफरेंट होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेसिफिक कल्चर में एक स्पेसिफिक कलर को हम व्हाइट ही कह सकते हैं, व्हाइट को एक स्पेसिफिक कल्चर में बहुत अच्छा माना जाता है, दूसरे कल्चर में उसको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, अनलकी समझा जाता है। तो दीज कैन बी द कल्चरल बैरियर्स, और इस वजह से जो हमारी लिसनिंग है उसका मतलब अलग निकल जाता है। इसमें हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम जेनरेशन गैप बोलते हैं, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, सेम सिचुएशन को पेरेंट्स परसीव करते हैं किसी डिफरेंट तरीके से और बच्चे उसी सिचुएशन को एक नॉर्मल तरीके से परसीव करते हैं। दैट इज व्हाई वी से कि दोनों का जो व्यू पॉइंट होता है वो मैच नहीं कर पाता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन एक इंडिविजुअल से दूसरी थी, वो मुझसे कुछ और सुनना चाहता था, मैं उसे कुछ और सुना रही हूँ, देन अगेन ही इज नॉट लिसनिंग बिकॉज उसकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि आप मुझे ऐसा जवाब दोगे, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, ठीक है। कई बार हमारे एक्सेंट होते हैं जिसकी वजह से हम दूसरे की बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे, बिकॉज उसका जो बोलने का तरीका है वो हम कह सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है या फिर बहुत कंफर्टेबल नहीं है। दैट इज व्हाई आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं उसे सुन समझ नहीं पा रही हूँ अच्छे से, मेरा माइंड उसे सारे वर्ड्स को ग्रैब नहीं कर पा रहा है और उसे मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पा रही है। दैट इज व्हाई मेरा जो लिसनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट हम आते हैं कंटेंट बैरियर। कंटेंट बैरियर का मतलब वो जो कंटेंट मुझे कम्युनिकेटर या सेंडर भेज रहा है वो कंटेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर वो कंटेंट सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन डज नॉट इंटरेस्ट मी, मेरे को मेरे इंटरेस्ट का बिल्कुल टॉपिक नहीं है जिस बारे में आप बात कर रहे हो, या फिर स्पीकर गोज ऑन फॉर टू लॉन्ग। कई बार क्लास में बहुत लंबे लेक्चर हो जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता है, लेकिन जहां थोड़ा सा एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन से ज्यादा हो गया देन अगेन हमारा एंटेना फिर उसे कैच करना बंद कर देता है। तो इन द सेम वे अगर कई बार हमें बातें बहुत समय तक बोली जा रही है तो जो बात की बातें होंगी उसमें हमारी लिसनिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी। स्पीकर इज सेइंग व्हाट वी डोंट वांट टू हियर, स्पीकर वो सारी बातें बोल रहा है जो कि हम सुनना नहीं चाहते हैं। कई बार हमें डांट पड़ रही होती है ना, वी आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनी वर्ड्स, हम उन्हें प्रोसेस ही नहीं करा रहे होते हैं अपने ब्रेन में, ठीक है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, उसे ब्रेन तक नहीं जाने देते। वी हैव हर्ड इट ऑल बिफोर, या फिर जो हमें चीजें बताई जा रही है वो सारी चीजें मुझे पता है, इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे सब। नाउ अगेन कंटेंट इज टू डिफिकल्ट और टू सिंपल। कई बार हो सकता है कि वो कंटेंट इतना डिफिकल्ट है कि मैं अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स पुट कर रही हूँ, स्टिल आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। कई बार होता है ना क्लास में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, एक बार में हमें समझ नहीं आ रहे होते या बहुत थोड़ी से समझ में आ रहे होते, पूरा अच्छे से समझ नहीं आ रहा होता है, या फिर इतना सिंपल है कि हमें वो पहले से पता है या फिर उसे समझाने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर नॉट लिसनिंग, बिकॉज जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंड कंटेंट इज रिपीटियस, रिपीटियस मीन्स जो बार 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 एक ही कंटेंट बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। Because of this content is not interesting to me, या फिर बहुत ज्यादा देर तक बोला जा रहा है, या फिर रिपीट हो रहा है, या फिर सिंपल है, या फिर डिफिकल्ट है, या फिर मैंने पहले से सुना हुआ है, कोई भी किसी भी कारण से अगर हम उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं तो दैट इज कंटेंट बैरियर। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर मीन्स बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से मैं सुन नहीं रही हूँ, बिकॉज आई एम प्री ऑक्यूपाइड विद अदर प्रॉब्लम्स, मेरे पास बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ या फिर मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ उस प्रॉब्लम्स को लेके। दैट इज व्हाई आई एम नॉट लिसनिंग टू द कम्युनिकेटर। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट ओन रिस्पॉन्सेस विदाउट हियरिंग द स्पीकर। कई बार ऐसा होता है कि हम सुन नहीं रहे हैं, क्लास में एक सवाल आधा ही जब तक मैम ने बोला है उससे पहले हमारा आंसर आना शुरू हो गया, विच मीन्स कि हम उसको बाकी के जो आंसर है, बाकी जिसका जो क्वेश्चन है उसको एज्यूम करके हम अपना आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो विच मीन्स कि थिंकिंग अबाउट
ओन रिस्पॉन्सेज विदाउट हियरिंग द स्पीकर, हम स्पीकर को बिना सुने ही अपने रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में हम जैसे सबसे इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, हम किसी को सुन नहीं रहे, हम अपना इंट्रोडक्शन अपने मन में अपना इंट्रोडक्शन बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, लुकिंग फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी टू इंटरप्ट। कई बार क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा डिस्ट्रैक्ट या फिर जो हमेशा से बहुत सारे इरेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ के डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं माहौल को, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो हमारी लिसनिंग नहीं हो पा रही होती। एंड मोनोपोलाइजिंग द कन्वर्सेशन डोमिनेंट स्पीकिंग। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं कि मोनोपोलाइज सर्कमस्टेंसेस, वो सिर्फ बोल रहे होते हैं और दूसरे को और किसी को बोलने का मौका भी नहीं देते हैं और किसी से किसी का सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो जो डोमिनेटिंग लोग होते हैं, जो सिर्फ अपनी ही बातें बोल रहे होते हैं, कई बार उनको भी नहीं सुना जाता है। ठीक है, तो दैट इज वाई, और वो सुन भी नहीं रहे होते हैं दूसरों को, तो दैट इज वाई हमारी जो लिसनिंग होती है किसी न कहीं पे कहीं ना कहीं पे हैम्पर कर रही होती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर इन लिसनिंग। सो होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, एंड स्टिल यू हैव एनी कंसर्न यू कैन राइट टू मी ऑन माई कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, नेगेटिव कमेंट्स आर ऑल्सो वेलकम्ड ऑलवेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।